नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता। भूमि सुधार कर्मचारी संघ का धरना, सौंपा मांग पत्र। राज्य कमेटी के निर्देशानुसार हर जिले की तरह कटिहार में भी भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने अपने मांगों का समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्व अधिकारी के पद पर प्रोन्नति, SCP एवं MCP देने, संवर्ग नियमावली 2022 रद्द करने, अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने आदि मांग के समर्थन में संघ द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मांग पत्र समर्पित किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने की। अध्यक्ष के अलावा महासंघ के वरीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामानंद सिंह, महासंघ के कटिहार जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र महतो, जिला उपाध्यक्ष निर्मल कुमार सिंह, जिला मंत्री आरिफ हुसैन, संयुक्त मंत्री प्रदीप कुमार लाल एवं जियाउल कुमार ने धरना को संबोधित किया, जबकि अनुसूचित कर्मचारी संघ के जिला मंत्री सिद्धू सोरेन, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर, संघर्ष मंत्री अंजनी कुमार, अध्यक्ष समर चक्रवर्ती ने भी मांगों का समर्थन करते हुए धरना को संबोधित किया। इस दौरान मानवेंद्र घोष, मनोज ठाकुर, मुकेश प्रसाद मंडल, शमीम अख्तर, दीपक कुमार सिन्हा, सदानंद मंडल, दिलीप कुमार पासवान, चंद्रशेखर प्रसाद, गगन प्रसाद साह, महबूब आलम, विजय कुमार सिंह, राम उदार चौपाटी राजस्व कर्मचारी धरना में दिखे। धन्यवाद। कटिहार से लक्ष्मीकांत प्रसाद की रिपोर्ट। जब तक बुलावा आते हैं तब तक हमारा कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ जय संघ, जय महासंघ, इंकलाब जिंदाबाद, भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी जिंदाबाद। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम 7 सूत्री मांग पत्र समर्पित कर जिला महोदय के द्वारा भेजा जाना है। इनका सभी न्यायचित मांगों का, जो इनका जो संघ है भूमि सुधार संघ, वो महासंघ का रीढ़ है। इसलिए महासंघ पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि कटिहार में भी महासंघ इनके सभी न्यायचित मांगों का समर्थन करती है और राज्य सरकार से अभिलंब मांग करती है कि इनको मांग को अभिलंब पूरा करे, जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसमें महासंघ भी इनके साथ कदम से कदम मिला कर रहेंगे। सुभाष चंद्र महतो, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा कटिहार। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज दिनांक 25/6/2022 को हम लोग अपना 7 सूत्री मांगों के लिए जिला पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग एक मांग पत्र उनको देने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मांग माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से संबंधित है और हम लोगों का आह्वान महासंघ के इस पर 7 जुलाई को भी पूरे बिहार राज्य के स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोगों का निर्धारित है। आज ये कार्यक्रम पूरे बिहार में आज हो रहा है। हम लोगों का जो मुख्य मांग है, जो हम लोग 7 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं, मेरा मुख्य मांग ये है, बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को रद्द किया जाए। वर्ष 2011 के बाद अनुकंपा के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न नियुक्त राजस्व कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनियमित करने के परामर्श को निरस्त किया जाए। सभी पंचायत में अविलंब राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, साथ ही समूचे राज्य में राजस्व कर्मचारी को अतिरिक्त हल्का के प्रभार से अविलंब मुक्त किया जाए। सभी प्रकार के दमनात्मक कार्रवाई एवं अर्थदंड की व्यवस्था पर अविलंब रोक लगाई जाए। राजस्व अधिकारी के 25% पदों पर अविलंब प्रोन्नति दी जाए। सभी कर्मियों को लंबित ACP MCP की लाभ समय सीमा के अंदर दिया जाए। झारखंड सरकार के तर्ज पर राजस्व कर्मचारियों को न्यूनतम ग्रिड पे 2400 रुपया दिया जाए। हम लोगों का यही 7 सूत्री मांग है जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला पदाधिकारी को मांग पत्र भी सौंपेंगे। मेरा परिचय है आरिफ हुसैन, जिला मंत्री बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ कटिहार। आज भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी महासंघ
बिहार पटना के आह्वान पर कटिहार जिला इकाई भूमि सुधार कर्मचारी संघ 7 सूत्री की मांग पर धरना पर हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए जिला पदाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम देंगे। इस आशा उम्मीद और जुझारूपन के साथ 7 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इन्हीं शब्दों के साथ। जी, एक खास सवाल है सर। सवाल यह है कि एक से अधिक हलका के परिवार में रहने पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? काफ़ी कठिनाई है। एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए एक पंचायत का सरकार के द्वारा निर्धारित है, परंतु एक एक व्यक्ति को 5 पंचायत 6 पंचायत दिया गया है, क्योंकि राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार में 8400 होनी चाहिए, आज के तिथि में 1200 के लगभग है। कटिहार जिला में 115 होना चाहिए, 226 पंचायत है, 226 होना चाहिए, 238 उसके विरुद्ध में मात्र 63-64 राजस्व कर्मचारी हैं। इसके अलावा संविदा मेरा परिचय, मैं मृत्युंजय कुमार, भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष।